मोदी से पहले 2014 से पहले क्या किसी ने धरना प्रदर्शन किया कि जम्मू कश्मीर को वही स्टेट का दर्जा दिया जाए जो बाकी स्टेट को मिला हुआ है, वो स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटा दिया जाए? कभी उससे पहले उसके लिए प्रदर्शन हुए नहीं हुए ना? क्यों नहीं हुए? फिर आज बराबर 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 क्यों हो रहा है? हर स्टेट की अदर पोजीशन होती है। दिल्ली अगर फुल स्टेट नहीं बन सकता तो उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे फुल स्टेट नहीं बन सकता। जो भारत जोड़ो अगर अगर मोदी गलत है, हाँ ठीक है, नहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा। फिर क्या भारत जोड़ो? राहुल गांधी क्या है उसका? नहीं, हमें खुशी है कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा, वो ठीक है, वो भारत जोड़ो कर रहे हैं, भारत तोड़ो कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, मगर वो मेहनत कर रहे हैं और उनका फायदा होगा उनको। हमें ठीक है, मोदी जी पावर में रहने चाहिए, एक ओपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर राहुल जी कमजोर थे तो अपनी वजह से थे, वो मोदी की वजह से नहीं थे। मोदी जी भी इसी के पार्टी का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, और सब इसी के पार्टी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे कश्मीर में आ गए तो लाखों की तादाद में लोग आ गए, अटल जी के नारे लगे, याद है? बिल्कुल, मैं खुद उस रैली में था, नारे लगाए। जब मोदी जी आता है तो लोग क्यों नहीं आते, इस चीज का आप थोड़ा सोचिए। मैं बताता हूँ, बताइए। आज मोदी जी हैं, आप अटल बिहारी की बहुत बात बहुत तारीफ कर रहे हैं, भगवान का लेकर जब योगी जी आ जाएंगे ना तो हम मोदी जी को बहुत याद करेंगे। हाँ, टूटा है, क्यों नहीं टूटा है? जब हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेटों में कानून अलग अलग है तो भारत का संविधान आपने नहीं तोड़ा क्या? वो आपको नहीं दिख रहा है? अगर यहाँ पे कानून एक है, यहाँ आप यहाँ भी मंत्री है ना, यहाँ भी चीफ मिनिस्टर है ना, यहाँ पे आप क्यों नहीं फुल पावर सब चीफ मिनिस्टर को देते हो? तो वहाँ यूपी में आप वहां पे योगी ना, योगी आदित्यनाथ है ना, उसको फुल पावर से, केजरीवाल को क्यों नहीं फुल पावर से? तो मुल्क एक ही है ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मुल्क एक बनाओ। दो आदमी हिंदुस्तान का फैसला नहीं कर सकते, दो आदमी के लिए करोड़ों लोगों को लड़ना पड़ता है, धरने में बैठना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है, तो किस चीज के लिए भाई साहब? अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो आपका भी है, वो मेरा भी है, वो केजरीवाल साहब का भी है, वो राहुल गांधी के साहब का भी है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर एक का होता है। अगर आज कल तो रिपब्लिक डे है, परसों क्यों ना मोदी साहब ये उस स्टेज पे ऐलान करें, जो राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा शुरू करूं, क्यों ना वो इसी स्टेज पे है कि हिंदुस्तान को एक एक संविधान देगा, पूरे सारे जितने भी स्टेट्स हैं एक संविधान, तो क्या फायदा है फिर राहुल गांधी? भाई साहब ये सब संसद में होता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी यहाँ से बोल ले रहे आप लोग मान लेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली, ये चीज मैं नहीं मानता हूँ, जो मोदी जी बोलेगा वो नहीं चलेगा, यही तो अपना अकेले में अगर वो बोलेगा, कुछ चीजें अमित शाह ने अकेले में बोली कैसे चला? क्या बोला अकेले में? हमारे कश्मीर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो वहाँ पे कानून दिया था, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ना, जवाहरलाल नेहरू ने 370 हटाने को मना कर दी। मोदी ने आपने पढ़ा है आर्टिकल 370 आपने पढ़ा, वो क्या है आर्टिकल 370 में? हम हिंदुस्तान के साथ है, बात सुनिए आप। 70 साल से मतलब आप कह रहे हो ये बात, कांग्रेस सरकार बैठी थी 70 साल से, उस चीज का मैं जवाब मांग रहा हूँ तुमसे। उस लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था, किसने बोला? 70 साल से पहले की बात कह रहा हूँ तुम्हें, 70 साल में कब बताओ कब फहराया था? कब फहराया था? मोदी जी ने ही फहराया था, एक बार जाके आपको बता देता हूँ। दो तिरंगे होते थे वहाँ पे, दो झंडे, अब एक झंडा कैसे हो गया? एक झंडा भारत माता का, एक ही झंडा कैसे हो गया? वो कहाँ से बोलोगे तुम? 8 साल में जवाब तो सुन लीजिए, बात सुन लिया। हम लोग जो है कश्मीरी लोग, आपने हिस्ट्री पढ़ी है? कश्मीरियों को हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, कश्मीरी पंडित बात क्या है? सुन लीजिए, हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अटैक नहीं, अटैक नहीं, दो चीज है, दो बात सुनिए, दो चीज है। कश्मीरी लोग जो है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हमें बताया गया था कश्मीरी लोग जो है ना, वो हिंदुस्तान के साथ थे ना, वो पाकिस्तान के साथ थे। हमें बताया गया कश्मीरी को, बात सुनिए पूरी बात सुन, हमें बोला गया है कि आप किन के साथ रहेंगे? कश्मीरी लोगों को राइट्स दिया गया है यूनियन ने, हिंदुस्तान ने भी, पाकिस्तान ने, हम लोगों ने चूज किया हिंदुस्तान, किन्होंने? कश्मीरियों को चॉइस दिया गया था 70 साल पहले, आप लोग किनके साथ रहोगे? हम लोगों ने चूज किया हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। जब हिंदुस्तान के साथ हम रहे तो डेफिनेटली हम हिंदुस्तानी है। आप हमें क्यों सर्टिफिकेट मांग रहे हो? हम बचपन से ये नहीं कहा तुमसे, सर्टिफिकेट नहीं मांगा। मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले पहले पूरी। तुम कह रहे हो कि तुमने हिंदुस्तान चुना, जिन्होंने पाकिस्तान चुना था ना, अभी उनके हालात आपको ही पता होगे कैसे हैं। ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बोलने की जरूरत नहीं हर रही बात। सुनो मेरी, सुनो जब जब तुम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनको मोदी जी ने सिक्योरिटी दी है, जो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं वो जेल गए हैं, वो जेल में है, बात सुन लीजिए, वो जेल में है।
मैडम आइए मैडम। अगर मोदी से पहले 2014 से पहले क्या किसी ने धरना प्रदर्शन किया कि जम्मू कश्मीर को वही स्टेट का दर्जा दिया जाए जो बाकी स्टेट को मिला हुआ है, वो स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटा दिया जाए, कभी उससे पहले उसके लिए प्रदर्शन हुए नहीं हुए ना? क्यों नहीं हुए? फिर आज बराबर 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 क्यों हो रहा है? हर स्टेट की अदर पोजीशन होती है। दिल्ली अगर फुल स्टेट नहीं बन सकता तो उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे फुल स्टेट नहीं बन सकता। आपने केजरीवाल की बात की, केजरीवाल को जो काम दिया वो अपना काम करे ना, वो हमेशा दूसरों के काम में उंगली करता है, अपना काम नहीं करता बस। ठीक है, डेफिनेट ठीक है ना। अब हर स्टेट के लिए अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग रूल है, अलग अलग पावर है, और वही चीजें आज भी चल रही हैं। जो भारत जोड़ो अगर अगर मोदी गलत है, हाँ ठीक है, नहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा, फिर क्या भारत जोड़ो? राहुल गांधी क्या है उसका? नहीं, हमें खुशी है कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा, वो ठीक है, वो भारत जोड़ो कर रहे हैं, भारत तोड़ो कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, मगर वो मेहनत कर रहे हैं और उनका फायदा होगा उनको। हमें ठीक है, मोदी जी पावर में रहने चाहिए, एक ओपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर राहुल जी कमजोर थे तो अपनी वजह से थे, वो मोदी जी वजह से नहीं थे, वो जो चमचे पीछे है ना उसकी वजह से कमजोर थे। आप एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, मेरी उम्र से ज्यादा है, तो आपको मेरे से ज्यादा तजुर्बा होगा डेफिनेटली। दो चीज मैं आपको बताना देना चाहता हूँ। मैं कश्मीर की बात करूंगा, आप दिल्ली की बात करोगे, या तो हम दिल्ली की बात करेंगे या हम कश्मीर की बात करेंगे। तो हम यहाँ कश्मीर की बात बीच में आ गई, कश्मीर की बात बताऊं आपको लिस्ट दे दूं, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। कश्मीर की बात, जब आर्टिकल 370 तोड़ा, उसके बाद मोदी जी ने एक अच्छा काम किया जिसके हम कश्मीरी को सारे लोग वाह वाह करते हैं। उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, यानी कि जिन्होंने पॉलिटिशियंस में धन खाए थे, जिन्होंने चोरी की थी, उनको जेल मारा। हम लोग खुश हो गए कि मोदी साहब ने अच्छा कदम उठाया, हमें कोई फील नहीं हुआ। ऐसा मंत्री हमने पहली बार देखा ना, जिसने कश्मीर को लूटा उनको उसने जेल भर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आज की हिस्ट्री बताता हूं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कहां से आ गई 6 साल में? वो चोर है, एक नंबर का चोर है कश्मीर में, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो पाकिस्तान के नारे लगाता था। उसने क्या किया, बीजेपी ज्वाइन किया, उसकी 600 करोड़ की प्रॉपर्टी बच गई। अगर वो ज्वाइन नहीं करता ना तो वो जेल में था ना। दूसरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा नेबर है हिलाल अहमद राठर, अब्दुलरहीम राठर का सन, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा वहां पे 36 ईयर का, जेल में था, जम्मू जेल में, टाड़ा जेल में था, तिहाड़ जेल में था, 6-2 साल वो जेल में रहा। अच्छा किया मोदी साहब ने, हमने मोदी के नारे लगाए वहां के, लेकिन छूटा क्यों? उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं आप सील हो गई? मैं बताऊंगा ना। 100 में से 80 चले गए हैं, 20 रह गए हैं, 5 साल और इंतजार करो, 20 भी चले जाएंगे, 20 भी चले जाएंगे, वो चले गए ना। अब वो पार्टी के नहीं, छोड़ बात नहीं, कोई नहीं, जो बीजेपी जो जो प्रूफ दूंगा आपको, जो कांग्रेस के छोड़ो, हमारे अंदर की बड़ास जो निकल रही है ना, जो जो कांग्रेस की, हम कांग्रेसी है, हम कांग्रेस के भक्त है। जो मोदी भक्त कह देते हैं ना, ये कौन से भक्त? ये आपने बोल दिया कांग्रेस भक्त है, बोल दिया कांग्रेस, कश्मीर से आके एजेंडा चला रहे हैं अभी, कश्मीर से आके एजेंडा चला रहे, वहाँ पे जाओ ना। फिर राहुल गांधी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राहुल गांधी आया था, फिर कांग्रेस पार्टी कहाँ की है? कहाँ की है? बनाओ फिर प्रधानमंत्री, पता चले एक बारी बनाओ ना एक बारी, उन्हें खुद पे अपने आप पे विश्वास नहीं है। चोट पे कहता हूँ राहुल गांधी इतना अच्छा काम करेगा, इतना मेरा सोचा भी नहीं होगा। तो मैं भी यही सच लगा रहा। आपने क्या किया बताओ मुझे, क्या किया? 8 साल में तुम्हें 9 साल में लग रहा, सब कुछ खतरे में है। बता ना, खतरा नहीं, खतरे की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ गरीबी वाली बात। अरे खतरा क्या है और क्या, कौन हाथ लगा सकता है? जो पत्थर पड़ते थे जब बोलता था कोई, पत्थर वालों को छोड़ो, क्यों छोड़ो, कार देखना है, सुनो मेरी बात, उन चीजों को क्यों छोड़ो बताओ, पत्थरबाजी को छोड़ दो, सेना पीटती है जब पत्थर मारते, उन चीजों को छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? अरे भाई साहब उस चीज में बोलो ना, मैं क्या हूँ? पत्थरबाजी कहाँ गए? मैं कश्मीर के पत्थरबाज थे, इंडियन है, हम सब कॉमन पर्सन है, ये चीजें हम सब इंडियन है, हम सब कॉमन पर्सन है। जब हिंदू पंडित मारे जा रहे थे, पता कौन चलाता है? कौन चलाता है? जब आपको पता ही नहीं तो अरे मैं को सवार रहा हूँ, तुम आए कभी कश्मीर? तुम ही आप आए कभी कश्मीर? आप आए कभी कश्मीर? अभी घूम के आया हूँ, पता चला अब चला, अब तो हिम्मत ही नहीं है, गुरुदा पहाड़ के निकाल लेगा, एक मिनट से
पहले ठीक उस टाइम। अरे सुनो यार, इतनी देर से बोल रहे हो। अरे सुनो, आप सुनो, आप खुश हैं वो पॉलिटिशियन खत्म हो गया? आप खुश हैं कि लेकिन कुछ लोग तो इसे आपको मैं बच गए, मैं बच गए, मैं ना मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने अच्छा काम किया था, रेल भेजा, अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने रिवर्स में इसकी पार्टी को एक्सेप्ट किया, ज्वाइन किया इसकी पार्टी में, बच गए, बच गए, उनके सारे केस वापस लिए गए, क्यों पत्थर उन्होंने चलाए, चोरी उन लोगों ने की, जेल भर दिया, उससे खुश हो गए हम कश्मीरी लोग, तो मैं खुश हूँ। नाम नहीं दिखाई सुनाई देते ना, कर लीजिए अल्ताफ बुखारी, अल्ताफ बुखारी आप चेक कर लीजिए, सज्जाद गनी लोन, सज्जाद गनी लोन पता किसका बेटा है? गनी लोन का बेटा, जो हुर्रियत का चेयरमैन था, यानी कि जो पाकिस्तान का चेयरमैन था, उसका बेटा सज्जाद लोन, पता वो कौन है? आज वो मोदी साहब का खास यार है, जो आतंकवादी था, जिसने पत्थर चलाई, क्यों कैसे दोस्त बन गया? जब उसने बीजेपी को, मेरे को एक चीज बताइए, मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हुई नहीं मैं, ठीक है? आपको बताइए, मोदी जी ने कुछ किया 8 सालों में? कुछ किया नेशनल इंटरनेशनल कुछ किया? ये मानते हो? मानते हो तो ठीक है, आपने 8 साल में उन्होंने कुछ किया ना, अगले 5 साल और रुकिए, अगले 8 साल और रुकिए, हम 10 साल बाद फिर यहाँ मिलेंगे लाल किले पे। राहुल का मौका आएगा नहीं आएगा? नहीं, हमें तो नहीं लगता, ये राहुल तो राहुल अकेला कुछ नहीं कर सकता ना, मोदी जी ने अकेला कुछ किया है, उनको टीम को अपना बदलना पड़ेगा, उनकी उनकी टीम ही मजबूत नहीं है। राहुल एक अच्छा आदमी है, एक शरीफ आदमी है, राहुल का हमें बिल्कुल विरोध नहीं है, मगर राहुल को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज, राहुल अरे अरे राहुल झुके अरे सुना सुना पहले क्या क्यों झुके, राहुल गांधी की इमेज अच्छी होगी इस भारत जोड़ो यात्रा से, मगर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, उसके लिए जमीन पे काम करना पड़ेगा। एक चीज का मुझे जवाब दीजिए, बोलिए, अटल बिहारी की वाजपेयी जी की आपको कभी याद है? बिल्कुल याद है, उसने कैसे हिंदुस्तान को चलाया? जब अटल, बात सुन लीजिए पूरी मेरी, भारतीय या पूरी लोग सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक ही है ना, एक ही, मोदी जी भी इसी की पार्टी का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, और सब इसी की पार्टी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे कश्मीर में आ गए तो लाखों की तादाद में लोग आ गए, अटल जी के नारे लगे, याद है? बिल्कुल, मैं खुद उस रैली में था, नारे लगाए। जब मोदी जी आता है तो लोग क्यों नहीं आते, इस चीज का आप थोड़ा सोचिए। मैं बताता हूँ, बताइए, आज मोदी जी हैं, आप अटल बिहारी की बहुत बात बहुत तारीफ कर रहे हैं, भगवान का लेकर जब योगी जी आ जाएंगे ना तो आप मोदी जी को बहुत याद करेंगे। आप आओ, आओ, यानी कि जिसके दिल में प्यार हो, जिसके दिल में मोहब्बत हो, वो इंसान आए, वो लोगों, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई इंसान ठंडा लेके आ जाए तो वो आपको अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज बताइए, आप मेरे को बताइए, राहुल गांधी आज की डेट में देश संभाल सकते हैं जैसे मोदी संभाल रहे हैं? मुझे बताइए, हाँ या ना? नहीं, यस या नो? मैं ये चीज बोल नहीं सकूंगी, राहुल गांधी को मैंने आज नहीं, बात सुनिए भाई साहब, ये आपने क्वेश्चन किया, देखो आपने इल्जाम लगाया, मैंने बोला हाँ, कौन सा पाप है? आपने बोला आप कांग्रेस के भक्त हो, तो मैंने बोला हाँ, ये कौन सा पाप है? अगर मैं हूँ तो पाप भी नहीं है ना, आप भारतीय जनता पार्टी के हो, अगर आप हो तो कोई पाप नहीं है, ये आपकी मेंटेलिटी अपने भाई साहब, आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात सुन लो यार, बहुत देर से तुम ही बोले जा रहे हो, मैं तो सुनी जा रहा हूँ। देखो आप कहते हो कि आप कांग्रेस पार्टी के भक्त हो, राहुल गांधी की तरह तुम भी बदल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तुम हो ना, मानते हो? ठीक है भाई साहब, अब क्या कहना चाहोगे कि तुम अपने आप में तुम भक्त मानते हो, ठीक, उस चीज पे बता दो थोड़ा, बस इतना सा दर्द उठेगा, लेकिन उसको दर्द को थोड़ा जाहिर कर देना भाई साहब। 8 साल 9 साल हो गए, 9 साल में आपको ये लगा प्रधानमंत्री ने कुछ किया है? लग रहा ना किया है। अब तुम पूछ रहे कश्मीर क्यों नहीं गया? कश्मीर मैं हर साल जाता हूँ, हर साल, पहले का बदलाव अरब का बदलाव मैं जानता हूँ कैसा है, तुम नहीं रहते वहां, मुझे ये पता लग गया, तुम यहाँ जिस आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे थे, दंगे बता रहे थे, ताहिर हुसैन जाफराबाद मौजपुर दंगे हुए थे, जेल भेजा था ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का विधायक था, ठीक है, ऊपर बोतलों में तजाब, बड़ी बड़ी गुलेले, कहाँ थे भाई साहब उस टाइम? आप सो गए थे क्या उस टाइम पे? नहीं, आपको पता होगा, दिल्ली का आपको पता होगा, नहीं मुझे पता है, वहाँ पे न्यूज नहीं चलते क्या? कश्मीर में बंद हो गया मीडिया वाले? अरे यार भाई साहब, छतरी वतरी नहीं लग रही क्या? प्यार से पूछ रहा हूँ यार, प्यार से। हम लोगों ने न्यूज देखना बंद किया, पता क्यों? जब भी टीवी ऑन करता हूँ ना, कभी सुनता हूँ हम चाइना में है, कभी हम सुनते हैं हम अमेरिका में है, बात सुनिए, हिंदुस्तान को कभी अमेरिका बनाते हैं, कभी पाकिस्तान,
तो इंटरेस्ट कम रह गई हम यहाँ के हिंदुस्तान के न्यूज चैनल पे। सुन लीजिए मेरी बात, फेसबुक तो चलाता हूँ, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए मेरी। मैं कहता हूँ मोदी जी ने अच्छा काम किया, मैं कहाँ बोलता हूँ गलत काम किया है, अच्छा क्या। प्रधानमंत्री जो काम करेगा उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते, 100 में से अगर 50 काम का तो किए ना काम, अगर उसे किया 50 काम तो किए ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं किया। लेकिन मैंने आज तक राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा है ना, कभी नहीं देखा उसको, ना कभी बना वो। मैं सुनिए 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 मेरी बात, नहीं 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 नहीं, ये सुनिए सुन लीजिए, सपना है, सुनो मेरी बात, सपना है, सपना सपना ही रहता है। मोदी जी को जानते थे पहले? जानते थे? मैं तो नहीं जानता था, मैं तो इतना सा था उस टाइम पे, मैं तो इतना था, अब इतना हो गया, अब जानने लग गया हूँ। आप तो पहले राहुल गांधी को जानते हो, युवा साथी आपका तो 52 साल का युवा साथी आपका तो है ना, 52 साल का युवा साथी होता ना है। एक चीज बताओ, जानते हो उसकी घरवाले, उसकी मम्मी सोनिया गांधी, खुद के अपने बेटे विश्वास नहीं है, क्यों नहीं है? अगर तुम्हें एक बात का मैं जवाब दे देता हूँ, एक चीज कर दो, एक मिनट, एक चीज कर, कांग्रेस पार्टी कभी भी कांग्रेस का अपना प्रधानमंत्री कभी नहीं बना सकती गांधी परिवार से, ये आज आपको मैं बता दे सकता हूँ। ठीक है, मिंडरे वाला कांड, ठीक है, इंदिरा गांधी याद होगी, उस चीज के चक्कर में कभी कांग्रेस पार्टी अपना इंदिरा मतलब सोनिया गांधी वाले परिवार में जैसे गांधी परिवार से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भरोसा नहीं है जिसे, अपने पे भरोसा नहीं है, दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़के जीत रहा, यूपी में अमेठी से चुनाव लड़ रहा, बाप चुनाव लड़ रहा, सांसद रहा, यू क्यों भगका वहां से, पूछ लियो एक बार इनसे, क्यों भगाया यू वहां से, पता नहीं। राहुल गांधी सांसद है अमेठी से, उत्तर प्रदेश से, क्यों भगाऊ वहां केरल में, उसकी बुआ बैठी, वहां फूफा बैठा, चुनाव क्यों जीतेंगे? बात सुन लीजिए आप, आपको अपना मकान बनाना है, मकान में कितने रूम्स बनाने हैं, हर किसी रूम का अपना अपना काम है, तो है कि नहीं? सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जी की बात मैं कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी आज तक प्राइम मिनिस्टर बना ही नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि उसने कुछ किया, मैं कहता हूँ सुनिए मेरी बात, ऑप्टिमिज्म चेंजेस ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप कहीं पे चेंज आ रहे हो अपने आप में, अगर राहुल गांधी में ये आ गया ये सोच में कि मेरे को हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रहा है, अगर वो वही सोच के वाला बंदा है तो ठीक है, अगर नहीं है 6 साल के बाद उसको भी फेंक दो। क्या करना है मेरी बात, अरे सुनिए एक मिनट, क्या करना है? पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर ली उन्होंने, अपना कोई विजन नहीं बताया, पूरी भारत जोड़ो में क्या बताया? मोदी ने देश में, देश को गड्ढे में डाल दिया, लाल किला देख दिया, अडानी अंबानी की बढ़ोतरी हो गई, कुछ बताया उन्होंने अपना विजन की? अगर वो प्रधानमंत्री आएंगे वो करेंगे। मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी उम्र से भी आप देख लीजिए, किसी न किसी को तो नया बनना ही बनना है, चाहे अमित शाह जी को बनना है, चाहे किसी और को। सुनिए, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान के लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ जाए, ठीक है, मुल्क कैसे किन चीज से तरक्की करे, तो उस चीज को सपोर्ट कर लीजिए। अगर मोदी जी में आपको वो दिखता है कि मुल्क को आगे बढ़ा रहे, तो लेटर को आप डाल दीजिए उसका वोट, अगर आपको लगता है नहीं करता है तो दीजिए दूसरे को मौका, वो भी हिंदुस्तान का ही है, राहुल गांधी क्या पाकिस्तान का है, चाइना का है, वो ब्रांडेड आदमी है, वो भी हिंदुस्तान का है। अगर राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या कौन सा पाप है बनने को? सारी बात सुन रहा है, एक मिनट, आप मेरे से बड़े उम्र के हो, और अधिकतर समय पहले भारत पैसे में कितने नीचे है आप मुझे बताओ, और अब कितने पे बताओ, आप बताओ ना, आप तो मेरे से सीनियर लग रहे हो, आपको पता जीडीपी कहाँ है, जीडीपी कहाँ है, उसे छोड़ दो, उसमें पैसे में क्या वजह से होगा उसकी बात में नहीं कर रहा, पहले कहाँ पे यहाँ, पहले कहाँ पे है नू बताओ, इसको भी हम मौका दे रहे हैं, 50 सीटें उनको भी दी है हमने, और आगे भी इतनी मिलेंगी उनको, 50 ही, अगर उनको उनको बढ़ानी है, उनको बढ़ानी है तो मेहनत तो भैया गोरखपुर वाला आ गया ना, ये मोदी लेके मुंह से मोदी निकालना भूल देंगे, फिर तुमका योगी भी योगी लिखेगा, नाम सुनते ही अपना योगी, बस इतना ही, इससे ज्यादा ना। कांग्रेस की सीटें बढ़ाने के लिए कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, बीजेपी मेहनत नहीं करेगी उनके लिए, हाँ वही, मगर वो राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं, बट दूसरा नाम बताओ जो मेहनत कर रहा है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी के अलावा दूसरा नाम बताओ जो ये मेहनत कर रहा है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, कोई दूसरा नाम बताओ, छोड़ दो ना मीडिया को, पब्लिक तो वोट तो पब्लिक ही देंगे, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ अगर 100 लोग हैं तो ये 100 लोग फैसला करेंगे कि यहाँ कांग्रेस ही कौन है और बीजेपी वाले कौन है, देखो यहाँ के लोग बताएंगे, नहीं नहीं देखो फैसला तो यही करेंगे, फैसला तो यहाँ के लोग यहाँ के लिए करेंगे, कर रहे हैं बस वोट से, सबको वोट से ही करना है, वो फैसला तो यही करेंगे। अगर आप में ये लगता है कि हमें एक पार्टी के साथ चलना है,
ये दिमाग में मन बना के रखना। 70 साल चले ना तो 25 साल इसको भी दे दो, हम 25-25 साल का कहीं ना अगर गलत कोई भी इस मुकाबले का आ जाएगा तो डेफिनेट टक्कर होगी। जब मोदी जी कुछ गलत करते हैं तो हम गलत भी बोलते हैं उनको। मोदी जी कुछ करें ना, उनके नीचे वाले भी कुछ गलत करते हैं। वो हाँ, तो वो भक्त गलत को गलत भी बोलते हैं। आप दूसरे चश्मे से देखते हैं। अभी ये जो फिल्म जो ये अभी क्या है इनके ऊपर, जो अभी मोदी वाले जो फिल्म जो है, कौन सी गोधरा वाला, गोधरा कांड के ऊपर जो बीबीसी ने क्यों किया, बैन क्यों किया, वो अपनी गवर्नमेंट के अपनी रूल नहीं, देखिए अब यही सोनिया गांधी पे मूवी बनी हुई थी, वो बैन क्यों करी थी, बिल्कुल वो बैन क्यों करी थी, उस चीज का तथा जवाब दे दो। हाँ जब आपको यही नहीं पता, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की पूरी डिटेल की मूवी थी, ठीक है। अरे नाम अभी निकाल ही देता हूँ, तुम्हें नाम छोड़ो यार, तुम अभी मैं बता देता हूँ, रेड साड़ी थी, रेड साड़ी थी, रेड साड़ी है, क्यों यार रेड साड़ी है, इमरजेंसी साड़ी है, वो जो सोनिया बनी है रेड साड़ी है। हाँ तो फिर भाई पहले स्टडी कर ले उस चीज को, स्टडी कर ली भाई, तुमने बता दी मेरे, अब सुन तो ले, मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस, अब मेरी सुन ले भाई, ठीक है, चलो 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 ठीक है। आप ये कह रहे हो कि उसके ऊपर क्यों बैन कर दिया, ठीक है, वो तो विदेशी थी ना, आप तो हमारे इंडियंस है ना, कौन थी विदेशी, सोनिया जिसके ऊपर साड़ी रेड साड़ी बनी, यार वो तो इंडियन नहीं थी ना, मतलब मान लो आप विदेशी है, वो ले सारे बीजेपी कहती विदेशी है, तो कांग्रेस वो तो कहती, अरे मैं मेरी मेरी बात सुन ले एक मिनट, ये जर्सी गाय किसने बोला, मैंने बोला या किसी कांग्रेसी ने बोला, मौत का सुखादल किसने बोला, बाद में है ना, ये तो गोधरा बाद में आया है ना, मुगोधरा तो बाद में आया है ना, उससे पहले जर्सी गाय बोलने वाले कितने थे बीजेपी के, अब ये देखो वो ठीक है ये गलत है, दोनों गलत बोलो, साई तो अभी भी मैं भी कह रहा हूँ यार, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने बोला ना सारी बैन थी, अभी इन्होंने बैन करी है, ठीक है, लेकिन वो टाइम अलग था, उसके ऊपर कंट्रोल हो गया, लेकिन जो आज की डेट में ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इमरजेंसी याद है आपको, बिल्कुल याद है, तो फिर वो क्या था, अभी अभी क्या है, ये बिना बोले इमरजेंसी है, इस टाइम बिना बोले इमरजेंसी है, ये बिना बोले इमरजेंसी है, क्या बोल रही है, इमरजेंसी दिखाई दे रही है आपको, अरे चाचा सुन लीजिए, कश्मीर से आके अपनी बात रख रही है, आपको इमरजेंसी दिखाई दे रही है, लाल किले के सामने, लाल किले के सामने सरकार को हम अगर गालियां दे रहे हैं तो इससे बड़ी आजादी और क्या चाहिए आपको।